तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो है डबली लिंक्ड लिस्ट डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड क्लास है हमारी लैब की, उसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डबली लिंक्ड लिस्ट। तो जैसा कि अभी हमने लिंक्ड लिस्ट में पढ़ा था, आपने देखा था कि जो अभी तक हमने जो लिंक्ड लिस्ट के वेरिएंट डिस्कस किए थे, उसमें क्या इशू था कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है ना ट्रेवर्स नहीं कर सकते, है ना। वी कैन गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सपोज दिस इज द लिंक्ड लिस्ट, दिस इज योर स्टार्ट बटन, एंड सपोज देन यू हैव ए सेट ऑफ नोट्स लाइक दैट एंड सो ऑन, एंड मे बी दिस इज द लास्ट नोट। सो यू हैव द पॉइंटर्स इन दैट कैन अलाउ यू टू ट्रेवर्स द लिस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, बट इफ यू वॉन्ट टू ट्रेवर्स द लिस्ट इन फ्रॉम बैक इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यू कैन नॉट डू दैट। ओके, सो देयर इज अनदर वेरियंट ऑफ द लिंक्ड लिस्ट दैट इज कॉल्ड डबली लिंक्ड लिस्ट। सो इन डबली लिंक्ड लिस्ट व्हाट वी डू, वी डिफाइन ए नोड विद टू पॉइंटर्स। सो डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या होगा कि आपका जो ईच नोड विल हैव टू पॉइंटर्स। ओके, दिस एंड दिस, हियर यू विल हैव डेटा। ओके, एंड दिस विल बी द, यू कैन से दैट दिस इज द, यू कैन से प्रीवियस, वी कैन कॉल इट प्रीवियस। सो दिस पॉइंटर इज फॉर पॉइंटिंग आउट, टू पॉइंट आउट द प्रीवियस नोड ऑफ दिस नोड। ओके, एंड दिस इज नेक्स्ट, सो दिस पॉइंटर विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इन टू द लिस्ट। ओके, सो नाउ योर लिंक लिस्ट मे बी मे लुक लाइक दिस। यू हैव ए स्टार्ट पॉइंटर दैट विल पॉइंट टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, एंड हियर इज योर फर्स्ट नोड। सो ईच नोड विल हैव टू पॉइंटर्स, है ना। सो स्टार्ट विल पॉइंट टू दिस नोड। नाउ सिंस दिस इज द फर्स्ट नोड, सो फर्स्ट नोड का प्रीवियस नोड कोई नहीं होगा, सो दिस वैल्यू विल बी नल, एंड हियर यू विल हैव द डेटा ऑफ द फर्स्ट नोड, एंड देन दिस पॉइंटर विल पॉइंट टू द सेकेंड नोड। सो सपोज दैट दिस इज द सेकेंड नोड, सेकेंड नोड विल ऑल्सो हैव टू पॉइंटर्स, है ना। तो ये नोड इसे पॉइंट करेगा, और चूंकि सेकेंड नोड का प्रीवियस नोड फर्स्ट नोड है, सो ये पॉइंटर इसे पॉइंट करेगा। ठीक है, अगेन दिस विल हैव द डेटा। देन इफ यू हैव थर्ड नोड, देन अगेन दिस नोड विल हैव टू पॉइंटर्स लाइक दैट। ओके, देर विल बी बैकवर्ड पॉइंटर डॉट डॉट डॉट, एंड दिस मे बी द लास्ट नोड सपोज दैट। सो लास्ट नोड जो है, द पॉइंटर हियर विल पॉइंट टू द सेकेंड लास्ट नोड, एंड देर विल बी अ पॉइंटर एट द सेकेंड लास्ट नोड दैट विल पॉइंट टू दिस लास्ट नोड। ओके, एंड अगेन हियर सिंस दिस नोड इज द लास्ट नोड, सो दिस विल बी नल। सो दिस काइंड ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड डबली लिंक्ड लिस्ट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबली लिंक्ड लिस्ट। वाई इट इज बींग कॉल्ड डबली लिंक्ड लिस्ट, बिकॉज नाउ ईच नोड हैव टू पॉइंटर्स। ओके, सो प्लस पॉइंट क्या है इस लिस्ट का, आप अब नोड को कभी भी किसी भी डायरेक्शन में बैकवर्ड फॉरवर्ड आराम से ट्रेवर्स कर सकते हैं। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में क्या था, ओनली वन वे ट्रेवर्सल पॉसिबल था, टू वे ट्रेवर्सल पॉसिबल नहीं था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेवर्सल ऑफ द डबली लिंक्ड लिस्ट। अच्छा, इसमें नोड आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर मैं आपको बताऊं कि प्रीवियस जो नोड था, प्रीवियस में जो हम नोड की डेफिनेशन लेके चल रहे थे सी में, स्टूडेंट का जो डेटा डिफाइन किया था, उसमें आपको एक पॉइंटर और जोड़ देना है, नेक्स्ट था, उसी तरीके से एक प्रीवियस नाम से पॉइंटर और ऐड कर देना है। सो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपका नोड बन जाएगा, और जितने भी फंक्शंस थे अकॉर्डिंगली उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं।
ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेशंस ऑन द लिंक लिस्ट. सो पहला ऑपरेशन होगा ट्रेवर्स, इस लिस्ट को ट्रेवर्स आप कैसे करेंगे, ऑब्वियसली स्टार्ट से आप शुरू करेंगे. समटाइम्स आपकी जो लिंक लिस्ट है इसमें हम दो पॉइंटर्स भी मेंटेन करते हैं, यू कैन हैव ए लास्ट पॉइंटर ऑल्सो. ठीक है, सो लास्ट पॉइंटर होगा तो हम बैकवर्ड भी इजीली ट्रेवर्स दोनों डायरेक्शन से ट्रेवर्स कर सकते हैं या एंड भी बोल सकते हैं. सो हम इसके इस वेरियंट के बारे में बाद में बात करेंगे. इस टाइप का एक वेरियंट होगा जो यहाँ पे इसको पॉइंट करेगा. ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसे अभी अवंडन कर देते हैं. ओके, सो पहले हम इसी वेरियंट की बात करते हैं ट्रेवर्स की. सो ट्रेवर्सल कैसे होगा, स्टार्ट से शुरू होगा. ट्रेवर्सल ऑपरेशन का आप मतलब जानते हैं कि आपको ईच एंड एवरी नोड को एक बार विजिट करना है. सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एल्गोरिदम. ओके, सो ट्रैवर्स हम इसको नाम दे देते हैं फॉरवर्ड. हालांकि अभी ये जो लिस्ट है इसमें फॉरवर्ड होने के बाद ही बैकवर्ड पॉसिबल है. ओके, फॉरवर्ड ट्रैवर क्योंकि हमारे पास एंड साइड से पॉइंटर नहीं है तो वी कैन ओनली डू फॉरवर्ड ट्रैवर्सल, है ना. बट स्टिल आई एम मेकिंग इट फॉर नेमिंग इट एज फॉरवर्ड. सो हमें स्टार्ट पॉइंटर चाहिए होगा. ठीक है, नाउ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम कौन सा पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर. सो स्टेप वन, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, है ना. ट्रैवर्सल में हमें चेक करना पड़ेगा कि लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है. सो अगर स्टार्ट नल हो, इफ स्टार्ट इक्वल्स नल, तो हमें क्या करना है, प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी. ठीक है, लिंक लिस्ट आप मैसेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने लिस्ट लिखा है सर. ओके, सो दिस इज स्टेटमेंट टू और थ्री में आप यहां से रिटर्न कर जाएंगे. स्टेप फोर, सो अगर एम्प्टी नहीं है देन एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है आपको, लूप के अंदर जा करके आप ट्रैवर्स करना शुरू कर सकते हैं. सो सबसे पहले अब क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, पी टी आर इक्वल टू स्टार्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं स्टार्ट की वैल्यू. आप चाहें तो बिना कॉपी किए भी दूसरे तरीके से भी काम कर सकते हैं लेकिन आई थिंक दिस विल बी मोर कम्फर्टेबल. पी टी आर में कॉपी कर लिया हमने स्टार्ट को, नंबर 5. अब हमें क्या करना है, वाइल पी टी आर इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक पी टी आर नल नहीं हो जाता है तब तक हम ट्रैवर्स करते रहेंगे फॉरवर्ड. सो फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग के लिए आपको मालूम है कि हमें कौन सा पॉइंटर इस्तेमाल करना है. सो पहले पी टी आर में हमने स्टार्ट को कॉपी कर लिया तो सबसे पहले हम नोड को ट्रैवर्स कर दें. सो ट्रैवर्स का मतलब प्रोसेसिंग करना है आपको, तो प्रोसेस इसमें डेटा फील्ड को कैसे एक्सेस करेंगे, मैं पी टी आर एरो डेटा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ओनली डेटा नाम से इस फील्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा नाम के वेरिएबल से. ठीक है, तो आपके में जो भी डेटा मेंबर्स होंगे हमको एक एक करके उनको जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो करना पड़ेगा. सेमी कॉलर लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब एल्गोरिथम बने सर नहीं है, बट मैंने लगा दिया है तो इसलिए लगा रहा हूँ. नंबर 7, आपने नोड को प्रोसेस कर लिया तो अब आपको अगले नोड के प्रोसेसिंग के लिए जाना है. सो अगले नोड के लिए मतलब आपको पीटीआर को अपडेट करना पड़ेगा. तो पीटीआर को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर से अपडेट कर देंगे. पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट, ये चलता रहेगा. स्टेप 8 में आप लिखना चाहे रिटर्न लिख दिए, नहीं तो नहीं लिखिए, कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, सो ये लूप के थ्रू आप की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी. सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेवर्स लाइक डब्ली लिंक लिस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन.
ठीक है। सो इस केस में ये जो मैंने वेरिएंट लिया है लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ट्रेवर्सिंग पॉसिबल है, लेकिन बैकवर्ड में तभी पॉसिबल है जब हम लास्ट नोड पर पहुंच जाए। तो अगर इसी में आपको बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग करना है, तो इस लूप के बाद जो पीटीआर वेरिएबल है उसका एड्रेस जैसे ही पीटीआर नल होता है आपको सेव करना पड़ेगा, पीटीआर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना, और फिर आप बैकवर्ड जा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाली एल्गोरिथम को नहीं लिख रहे हैं, बट नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट आपकी जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसमें दो पॉइंटर्स हैं, एक स्टार्ट पॉइंटर है और एक एंड पॉइंटर है, और एंड पॉइंटर क्या कर रहा है, लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो अगर ट्रेवर्स बैकवर्ड करना है तो आप एंड पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे, ट्रेवर्स बैकवर्ड, आपको अब इसमें एंड पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा। ओके, लेट मी मेक इट ए स्मॉल कैपिटल में लिख रहे हैं एंड। ओके ओके, सो अगेन यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि आपकी जो लिस्ट है एम्प्टी हो सकती है, तो अब हम कंडीशन बदल देते हैं, एम्प्टी लिस्ट के केस में स्टार्ट और एंड बोथ पॉइंटर विल बी नल। हालांकि स्टार्ट भी अकेला नल चेक करने से काम चल जाएगा, एम्प्टी लिस्ट है तो स्टार्ट भी नल होगा, है ना, लिस्ट अगर एम्प्टी है तो स्टार्ट भी नल होगा, चूंकि लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एंड से लेकर के चल रहे हैं, तो किसी एक वेरिएबल को आप चेक कर लीजिए कि स्टार्ट नल है या एंड नल है, तो हमारे पास एंड अवेलेबल है तो हम एंड से ही लेकर के चलते हैं, इफ एंड इक्वल्स नल तो आप देखेंगे कि ये जो एल्गोरिथम है बैकवर्ड ऑलमोस्ट सिमेट्रिक है इसी के जैसे, बस डिफरेंस यहाँ हम नेक्स्ट वेरिएबल लेके चल रहे थे और यहाँ पे हमें प्रीवियस लेकर के चलना है, और सब कुछ लगभग वही है। सो इफ एंड इक्वल टू नल तो आपको क्या करना है, प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी, है ना, और रिटर्न कर देना है नंबर 4, पीटीआर इक्वल टू एंड कर लीजिए, असाइन कर लीजिए, एंड को कॉपी कर लेते हैं नंबर 5, वाइल। अब एक काम कर सकते हैं, या तो हम यहाँ इस तरीके इसी तरीके से चलें, चलिए हम एक और वेरिएंट की बात कर लेंगे अभी, पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक पीटीआर नल नहीं हो जाता है मतलब हम ट्रैवर्स करते करते ये पॉइंटर पर नहीं आ जाते हैं। ओके, ये पॉइंटर की वैल्यू हमें नहीं मिल जाती तब तक हम ट्रैवर्स करते रहेंगे। सो ट्रैवर्स में हम क्या करेंगे, पहले तो प्रोसेस कर लेते हैं, प्रोसेस पीटीआर एरो डेटा, ठीक है, दिस विल बी नंबर 6, नंबर 7, यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, बस पी टी आर इक्वल टू पी टी आर एरो प्रीवियस, तो अब हम प्रीवियस पॉइंटर को यूज करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, एंड डन, है ना। ओके, नाउ इसी दोनों एल्गोरिथम के आप वेरिएंट भी लिख सकते थे, जिसमें जैसे मैंने यहाँ पर टर्मिनेटिंग कंडीशन नल यूज किया है, ये जो पॉइंटर्स है इसको टर्मिनेटिंग कंडीशन लेकर के यूज किया है, इन दोनों पॉइंटर्स को आप चाहें तो अब इनके दो वेरिएशन लिख सकते हैं इन्हीं प्रोसेस के, जिसमें आप टर्मिनेटिंग कंडीशन इधर जब बैकवर्ड से जा रहे हैं तो स्टार्ट की वैल्यू आ जाती है, दैट विल बी योर टर्मिनेटिंग कंडीशन, और जब इधर से ट्रेवर्स करेंगे तो आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है वो एंड के बराबर हो जाता है, तो यू कैन यूज दिस एज द टर्मिनेटिंग कंडीशन। सो आई विल गिव देम एज ए होमवर्क कि आप इसके बेस पर एल्गोरिथम लिखिए, ठीक है। सो आपको ये दोनों प्रोसीजर लिखनी है, राइट बोथ ऑफ द अबव टू एल्गोज दैट
use start and the variables values for termination condition. ठीक है, तो ये दो वेरिएंट आपको लिखना है, दिस इज योर होमवर्क. यहां तक कोई क्वेश्चन? चलिए तो अब लिंक लिस्ट में इंसर्शन की बात कर लेते हैं. डबल लिंक लिस्ट में इंसर्शन, सर हाँ बताओ. ये होमवर्क में क्या दिन समझ में आया, क्या लिखना है सर? नहीं समझ में आया. होमवर्क में मैंने ये कहा है कि यहाँ पे मैंने टर्मिनेटिंग के कंडीशन को, पॉइंटर की वैल्यू को नल रखा है, और ये जो एक्चुअली ये जो वैल्यूज हैं पॉइंटर्स की, इनकी वैल्यूज को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ टर्मिनेटिंग कंडीशन के तौर पर. आप चाहें तो इन्हीं एल्गोरिथम को रीराइट कर सकते हैं, जहाँ पे आप जब बैकवर्ड यहाँ से आप ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि आपका जो पॉइंटर है स्टार्ट के बराबर हो जाता है तो टर्मिनेट करना है, और जब आप इधर से मतलब ट्रेवर्स कर रहे हैं तब एंड पॉइंटर के बराबर वैल्यू आ जाती है आपके पॉइंटर की. ठीक है, दैट मीन्स इस नोड का एड्रेस आ जाता है जो कि एंड पॉइंटर में सेव है, तो आपके जो पॉइंटर की वैल्यू एंड पॉइंटर के बराबर हो जाती है तब आपको रुक जाना है, बस इतना करना है. टर्मिनेटिंग कंडीशन बदलनी है आपको, ओके सर. समझ गए? ओके यस सर. हाँ, सो अब आप मेरे को एक एल्गोरिथम में ध्यान रखना है कि जैसे मेरे इन दोनों एल्गोरिथम्स मैंने केवल स्टार्ट और एंड पॉइंटर रेस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड थे, आपको अब दोनों पॉइंटर्स एक साथ पास करना पड़ेंगे एल्गोरिथम्स को. ठीक है ना, क्योंकि एंड पॉइंटर जब आप इधर से ट्रेवर्स कर रहे हैं इधर से, तब एंड पॉइंटर की वैल्यू टर्मिनेटिंग कंडीशन के तौर पर यूज कर लोगे आप, एंड जब इधर से आप ट्रेवर्स करते हैं तब आपको एंड तो शुरुआत करने के लिए चाहिए लेकिन ये पॉइंटर टर्मिनेटिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा, तो दोनों पॉइंटर्स आपको पास करने पड़ेंगे, बस इतना डिफरेंस आएगा और थोड़ा बहुत यहाँ अंदर डिफरेंस आएंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, वन मिनट. ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. सो लेट्स टॉक अबाउट द इंसर्शन. नाउ डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो इंसर्शन है उसमें आपके वेरिएशंस हो सकते हैं अगेन, कि एक तो है आप हमेशा स्टार्ट पर इंसर्ट करें, एक एंड पर इंसर्ट करें. तो अगेन अब हम जो डिस्कशन की बात इंसर्शन वेरिएंट लेंगे लिंक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, वो ये वाला वेरिएंट लेंगे जहाँ पर हमारे पास स्टार्ट पॉइंटर भी है और एंड पॉइंटर भी है. ओके ओके, सो एक तो ऑप्शन जब आप इंसर्ट करने जा रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कोई भी नोड, तो आप चाहे तो यहाँ पे बिगिनिंग में इंसर्शन कर सकते हैं या हमेशा एंड में इंसर्शन कर सकते हैं. तो हम एंड का इंसर्शन नहीं डिस्कस करेंगे, एक जैसा ही होगा, बिगिनिंग और एंड एकदम एक जैसे इंसर्शन होंगे. तो एक होगा कि आपको हमेशा बिगिनिंग में इंसर्ट करना है या फिर गिवन नोड के बाद इंसर्ट करना है. दो केसेस हम डिस्कस करेंगे. तो मैं स्टार्ट साइड से इंसर्शन की डिस्कशन करूंगा और आपके लिए होमवर्क के तौर पर हो जाएगा, एकदम सिमेट्रिक केस होगा, आपको एंड साइड से इंसर्शन करना है. ओके सो सो देर आर टू केसेस. इंसर्ट एज ए फर्स्ट नोड, जो लिंक लिस्ट में आपको जब इंसर्शन करना है तो आप जो नया नोड ऐड कर रहे हैं उसे फर्स्ट नोड के तौर पर ऐड कर रहे हैं, या तो दूसरा वेरिएंट होगा इंसर्ट ए न्यू नोड और इंसर्ट ए गिवन नोड आफ्टर ए गिवन नोड. ठीक है, आपको बताया जाएगा इस नोड के बाद इंसर्ट करना है, फिर इसका वेरिएंट हो सकता है एक प्रीवियस नोड वाला, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट दिस वन, इंसर्ट एट द फर्स्ट नोड.
सो सपोज दैट आपको एक नोड, सो फर्स्ट नोड के तौर पर एक नोड को इंसर्ट करना है, सो यू आर गिवन ए नोड, और आप जब आप इसी को प्रोग्रामिंग में करेंगे तो सबसे पहले आपको एक प्रोसीजर लिखना पड़ेगी जो क्या करेगी, एक नोड को डायनेमिकली एलोकेट करेगी, उसमें डेटा फिल करेगी. सो लेट्स से दिस नोड इज देयर, जिसमें डेटा फिल आपने कर लिया है, ये दोनों पॉइंटर्स अभी शुरू में आपने नल सेट कर रखे हैं, और इस नोड का एड्रेस आपके पास एक पॉइंटर वेरिएबल न्यू नाम के में है. सो न्यू नाम से एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें आपका आपके पास इस नोड का एड्रेस है. ओके सो ये काम आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक क्रिएट नोड फंक्शन लिखना पड़ेगा. मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है, जैसे आपने पहले लिखा था उसी जैसा फंक्शन लिखना है. सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले एक एमलॉक से इसी साइज का मेमोरी एलोकेट करना है, उसमें दोनों प्रीवियस और नेक्स्ट जो पॉइंटर रहेंगे इनको नल सेट कर देना है, फिर इसमें डेटा फिल कर देना है और ये एड्रेस रिटर्न कर देना है, टाइपकास्ट करके कॉपी करके लेकर के जो भी है, ये एड्रेस को टाइपकास्टिंग भी करना पड़ेगा एलोकेशन के टाइम पर. तो क्रिएट नोड जो मेथड है ये एग्जैक्टली उसी जैसा है, डिफरेंस सिर्फ क्या आएगा, आपके पास अब नोड में दो पॉइंटर्स हैं और दो बार उनको जो है आपको नल से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, प्रीवियस पॉइंटर को भी और नेक्स्ट पॉइंटर को, बस इतना डिफरेंस आएगा. सो आई एम अज्यूमिंग कि वी हैव दिस वन, और हमारे इस प्रोसीजर से हमने एक नया नोड बना लिया है और इस नोड को मुझे लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है. ओके सो लेट मी ड्रॉ ए लिंक लिस्ट, कुछ इस तरीके की लिंक लिस्ट होगी. तो लिंक लिस्ट है तो पहले हमारे पास स्टार्ट पॉइंटर होगा, है ना. नाउ जब आप एक नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो एक पॉसिबल दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जो नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं जिस लिस्ट में तो वो लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है. सो आपका जो नोड है वो फर्स्ट नोड के तौर पर इंसर्ट होगा. दूसरा है वही आपका फर्स्ट नोड होगा और वही लास्ट नोड होगा एक्चुअली. तो उस केस में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो हम दो दो केसेस को अभी सॉल्व करेंगे. और दूसरा पॉसिबिलिटी होगी कि लिंक लिस्ट में आपके मोर देन वन नोड है, लाइक दैट इस तरीके से. अज्यूम कर लीजिए कि दिस इज द सेकंड लास्ट नोड एंड दिस इज द लास्ट नोड. यहाँ डेटा है, यहाँ भी डेटा है, यहाँ भी डेटा है, यहाँ भी डेटा, एंड दिस इज द लास्ट नोड. और आपके पास एक एंड पॉइंटर है, ओके, जिसमें इस नोड का एड्रेस है, दैट मीन्स दिस नोड इज पॉइंटिंग टू दिस वन. ओके सो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, एल्गोरिथम हम बाद में लिखेंगे. सो ये एक केस है जिसमें हमें नोड फर्स्ट नोड के तौर पर इंसर्ट करना है. सो सपोज ये आपका नया नोड है ना, दिस इज द न्यू नोड. नाउ आपको क्या करना है, इस नोड को फर्स्ट नोड बना देना है. सो इस नोड को फर्स्ट नोड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इस नोड का एड्रेस स्टार्ट में होना चाहिए, लेकिन पहले आप स्टार्ट को चेंज नहीं करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नोड है इसमें स्टार्ट का जो है ना एड्रेस कॉपी कर देते हैं, स्टार्ट में जो कुछ भी है वो यहाँ कॉपी कर देंगे. तो जब आप स्टार्ट की वैल्यू को यहाँ कॉपी करेंगे तो उसके लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, न्यू एरो नेक्स्ट, इसको चेंज करना है आपको. तो इसमें रख दीजिए स्टार्ट की वैल्यू. तो जब जैसे ही आप ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, ये पॉइंटर एक्सचेंज इस तरीके से करेंगे, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है यहाँ चली गई, दैट मीन्स एक पॉइंटर ऐसे क्रिएट हो गया. सो नाउ आपका जो नया नोड है जो हम जोड ऐड करने जा रहे हैं लिस्ट में, वो इस नोड को पॉइंट करने लग गया. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, आपको क्या करना है, ये जो नोड है इसका अभी प्रीवियस नोड कोई नहीं था. नाउ अब आपको इस नोड का प्रीवियस नोड बनाना है, इस नोड को, ओके, न्यू नोड को. तो ऑब्वियसली इस नोड में हमें जो प्रीवियस पॉइंटर है इसमें न्यू की वैल्यू कॉपी कर देनी है. तो आप इस वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्टार्ट पॉइंटर की मदद से. ओके सो आप लिखेंगे स्टार्ट एरो प्रीवियस, मतलब दिस वैल्यू क्या किसके बराबर हो जाइए, दिस मीन्स न्यू के बराबर हो जाए. सो जैसे ही आप ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो न्यू का एड्रेस यहां आ जाएगा. दैट मीन्स ये जो लाइन है अब ये पहले एम्प्टी पॉइंटर था, नाउ दिस विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस वन.
सो ये नोड जो है ना फर्स्ट नोड बन गया और इसका ये प्रीवियस हो गया, लेकिन अभी भी फर्स्ट नोड पूरी तरीके से नहीं है क्योंकि स्टार्ट इसे पॉइंट करना चाहिए, ये लिंक अभी हमें ब्रेक करनी है। तो इस लिंक को ब्रेक करेंगे कैसे, तीसरा काम एक और पॉइंटर करना पड़ेगा एक्सचेंज, आपको स्टार्ट में ओवरराइट कर दीजिए आप स्टार्ट को न्यू से बस। सो ये जो तीन पॉइंटर एक्सचेंज करने से आपका ये जो नोड है वो जो है आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नोड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल केस, एज यूजुअल केस जिसमें आपके मोर देन वन नोड आपकी लिस्ट में है, केस आप किसे यू कैन केस कॉल इट केस थ्री। ठीक है, नाउ एक केस क्या होगा जिसमें आपके जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, लिस्ट इज एम्प्टी। सो लिस्ट एम्प्टी चेक कैसे करेंगे आप, डब्ल्यू लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, ओब्वियसली स्टार्ट और एंड दोनों नल होंगे, हालांकि एक स्टार्ट को ही अकेले चेक करने से आपका काम चल जाएगा। इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, ये कंडीशन होगी आपकी एम्प्टी चेक करने के लिए। सो ये कंडीशन आपको बताएगी कि लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, सो लिस्ट एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो नया नोड है वही आपका फर्स्ट और सिंगल नोड होगा, जो नया नोड है दैट मीन्स दिस वन। सो इसके ये दोनों पॉइंटर नल रहेंगे, है ना। तो जब लिस्ट एम्प्टी है तो आपको क्या करना है, ये जो नोड है लेट से डी इज द डेटा, तो स्टार्ट में पहले तो इसका एड्रेस कॉपी कर देना है इस नोड का। दैट मीन्स आपको क्या करना है, जब ये कंडीशन है देन देन न्यू की जो वैल्यू है उसको स्टार्ट को असाइन कर देना है, सो दैट स्टार्ट पॉइंटर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस वन, है ना। ऐसे सिमिलरली यही लास्ट नोड भी है ना। तो सो लास्ट नोड है तो एंड में भी जो है ना न्यू हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स एंड पॉइंटर विल ऑल्सो पॉइंट दिस वन। ठीक है, सो ये कब है, जब लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी थी, है ना, केस टू केस वन आप इससे बोलिए। नाउ इसमें एक केस और होगा, केस टू जिसे हम कहेंगे, जिसमें लिंक लिस्ट में आपके एक ही नोड है, ये वाला है ना। मान लो आपका ऑलरेडी लिस्ट में एक ही नोड था, तो ऑब्वियसली एक ही नोड होगा तो क्या होगा, स्टार्ट और एंड दोनों इसी को पॉइंट कर रहे होंगे। ये है, लेकिन अब आपको क्या करना है, एक नया नोड ऐड करना है। तो अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लिस्ट में एक नोड है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस कंडीशन, तो इसके लिए चेक कर लीजिए कि स्टार्ट और एंड सेम होना चाहिए और नल ना हो, स्टार्ट इक्वल टू एंड। ठीक है, सो दोनों पॉइंटर कैपिटल स्मॉल में लिखना है। पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए कि दोनों इक्वल होना चाहिए एंड दोनों नॉट नल होना चाहिए, या कोई भी एक वैल्यू इसमें नल ना हो, आप चेक कर लीजिए, एक ही को चेक कर सकते हैं, एंड स्टार्ट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल या एंड नॉट इक्वल टू नल, कोई एक चेक कर लीजिए। क्योंकि जब मैं दोनों में से कोई एक नल होता है तो एम्प्टी होती है लिस्ट, है ना। अब दोनों में से कोई भी नल नहीं है, एक नल नहीं है या दोनों ही नल नहीं है, ओब्वियसली हमें एक अकेला चेक कर लीजिए नल, तो आपको हो जाएगा कि स्टार्ट इक्वल टू और एंड दोनों इक्वल है और उनमें से स्टार्ट नल नहीं है, इसका मतलब एंड भी नल नहीं होगा, इसलिए एक को ही चेक करने से काम हो जाएगा हमारा। तो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज फॉर व्हेन लिंक लिस्ट हैव ओनली वन नोड, ये कंडीशन बताती है कि लिंक लिस्ट आपका हैज ओनली वन नोड, सो ये आपका केस टू हो जाएगा। ठीक है, सो जब ये कंडीशन मैच होती है तो आपको क्या करना है कि आपके पास न्यू नाम से ये जो नोड है इसका पॉइंटर किस में है, न्यू नाम के वेरिएबल में है ना, जो कि इसको पॉइंट कर रहा है।
सो सबसे पहले ओबियसली ये दोनों वैल्यू हम नल रखते ही हैं पहले से, जो आपकी प्रोसीजर होगी वो नल रखेगी। अब मुझे क्या करना है, दिस नोड विल बिकम फर्स्ट नोड और ये जो नोड है वो सेकंड नोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या चेंज करना है, यहाँ पर ये जो पॉइंटर पहले जो है ना नल हुआ रहा होगा जब एक एक नोड होगा दोनों फेस में, है ना। तो ये जो पॉइंटर नल है यहाँ पर मुझे क्या कर देना है, इस नोड का प्रीवियस नोड ये नोड हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर न्यू की कॉपी करनी है वैल्यू। सो स्टार्ट, इस पॉइंटर को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, एंड से भी एक्सेस कर सकता हूँ, स्टार्ट से भी कर सकता हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू, मुझे बेटर होगा कि आप इससे एक्सेस करें, दिक्कत कुछ कोई भी नहीं है, बट इट विल लुक गुड। स्टार्ट एरो नेक्स्ट, सॉरी प्रीवियस है ये पॉइंट फील्ड, प्रीवियस इक्वल टू कर दीजिए न्यू। सो ये जो नोड है अब ये नल नहीं है, ये पॉइंटर अब इसको पॉइंट करने लग गया, इस नोड को, दैट मीन्स नाउ इसका प्रीवियस नोड ये डिफाइन हो गया। इसका नेक्स्ट नोड तो चूंकि ये सेकंड नोड है, यही लास्ट नोड है, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है इस फील्ड को, ठीक है, और ना ही हमें एंड को पॉइंट कर चेंज करने की जरूरत है। सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पर जो जो ये जो है ये नोड इसे पॉइंट करना चाहिए। सो दैट मीन्स न्यू एरो नेक्स्ट, न्यू का नेक्स्ट फील्ड जो है उसमें मुझे स्टार्ट की वैल्यू कॉपी कर देनी है, ओके और अब ये करने के बाद अब मैं स्टार्ट में न्यू की वैल्यू कॉपी कर लूंगा, स्टार्ट इक्वल टू न्यू। सो ये तीन पॉइंटर एक्सचेंज करने के बाद आपका ये जो नोड है, दिस नोड विल बिकम फर्स्ट नोड। सो ये ऐसा करने से ये लिस्ट टूट जाएगी और ये हो जाएगी, ठीक है। अब आप चाहे इसके बाद न्यू पॉइंटर को, जो पॉइंटर आप यूज कर रहे थे इसको नल सेट कर सकते हैं, सो दैट दो दो पॉइंटर ना रहे फर्स्ट नोड के लिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेकंड केस इंसर्शन के लिए, ओके। सो लेट्स राइट नाउ द एल्गोरिथम। सो लेट्स से डी में डबली लिंक लिस्ट के लिए टर्म में यूज कर रहा हूँ, इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिन, ये प्रोसीजर है सपोज दैट। नाउ रिटर्न टाइप आप जो चाहे वो लिख लीजिए बाद में, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल के लिए जैसा आप करना चाहें, ये तो एल्गोरिथम में हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पैरामीटर्स क्या क्या चाहिए होंगे, ओबियसली यू रिक्वायर स्टार्ट, यू रिक्वायर एंड, एंड यू रिक्वायर न्यू। अज्यूम कर रहे हैं कि डेटा जो है ना, न्यू जो नोड है, न्यू जो है पॉइंटर, वो नए नोड को पॉइंट कर रहा है, और नया नोड जो आपने बनाया है वो ऑलरेडी डेटा से भरा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी स्टोर्ड द डेटा देयर, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट वन, सो पहले आप केस वन डिस्कस देख लीजिए कि केस वन क्या था हमारा, हमने कौन सा केस वन लिया है, जब आपकी लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है। सो लिस्ट एम्प्टी है तो आपको पहले चेक कर लेना है इफ स्टार्ट इक्वल्स नल, कमेंट में लिख देते हैं, चेक कर रहे हैं हम ये, इफ लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी, ओके। जब लिस्ट पहले से एम्प्टी है दैट मीन्स आप एम्प्टी लिस्ट में एक नोड इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दैट आई हैव रिटन हियर, दो पॉइंटर एक्सचेंज करने हैं, स्टार्ट इक्वल टू न्यू एंड इक्वल टू न्यू, ठीक है। सो नंबर टू स्टार्ट इक्वल्स न्यू एंड एंड इक्वल टू न्यू, तो यही नोड आपका फर्स्ट नोड बन गया, और स्टेप फोर रिटर्न, यहां आप प्रोसीजर से एग्जिट कर पाएंगे, ओके। सो ये कौन सा केस हो गया, यू कैन से दैट केस वन हमारा, जब आपकी लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी थी। नाउ केस टू, अब हम केस टू को डील करेंगे। केस टू हमारा क्या है कि जो है हमारे पास एक ही नोड है लिस्ट में, ऑलरेडी जो लिस्ट है हमारी, लेकिन लिस्ट हैव ओनली वन नोड दिस वन, ठीक है। सो इस केस में मैं अगर एलसेफ लेडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको मालूम है कि हम एलसेफ में तभी जाते हैं जब ये कंडीशन मैच करे, सॉरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए।
सो एलसिफ, सो जब हम एलसिफ में आएंगे इसका मतलब स्टार्ट इक्वल टू नल नहीं है, है ना। जैसे मुझे यहाँ चेक करना था ना, दो कंडीशन चेक करना थी, वेर इज के स्टार्ट एंड हो और स्टार्ट नल ना हो। तो स्टार्ट नल अपने आप यहाँ आने का मतलब है कि स्टार्ट नल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आप ये अगर यहाँ ये चेक कर लें कि स्टार्ट इक्वल्स एंड, ध्यान रखना अगर आप एलसिफ लगा रहे हैं तभी ये पॉसिबल है, अगर आप एलसिफ नहीं लगा रहे हैं एफ ही लगा रहे हैं तो फिर वो कंडीशन लिखना पड़ेगी। ओके सो बी केयरफुल अबाउट दैट, अबाउट दैट। नंबर सिक्स, सो जब स्टार्ट इक्वल टू एंड है दैट मीन्स आपकी लिस्ट में इसका मतलब है केस टू, लिस्ट हैज ए सिंगल नोड। और जब सिंगल नोड है तब आपको क्या क्या पॉइंटर एक्सचेंज करना थे, ये है स्टार्ट, सो स्टार्ट के पॉइंटर प्रीवियस में न्यू कॉपी करना है एंड न्यू नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट अच्छा ये याद रखना है, ये इंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आप ऑर्डर नहीं बदलें, ऑर्डर बदलेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। एंड फाइनली व्हाट वाज स्टार्ट इक्वल टू न्यू, सो ये जो तीन लाइंस हैं ये आपकी यहाँ आ गई। ओके सो ये हो गया केस टू। नाउ केस थ्री एल्स में चला जाएगा, ये दोनों में नहीं है तो आखिरी तीसरा केस होगा। और तीसरे केस में आपको क्या करना है, व्हाट वाला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये न्यू नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट प्रीवियस न्यू, सो नंबर 10 न्यू का नेक्स्ट इक्वल टू हो गया स्टार्ट, ठीक है। और स्टार्ट एरो एरो प्रीवियस, फर्स्ट नोड का प्रीवियस नोड जो है आपका न्यू बन जाएगा, स्टार्ट प्रीवियस, लेट मी कंफर्म, स्टार्ट प्रीवियस न्यू, और स्टार्ट में फिर न्यू का एड्रेस कॉपी कर दीजिए। सो इट इज 11 12, स्टार्ट इक्वल टू न्यू, ये है आपका केस थ्री। अच्छा यहाँ पे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब एल्सिफ रेडर में आ गया है तो, क्योंकि या तो इस यहाँ होगा या यहाँ होगा, और इसके बाद चूंकि ये केस है अगर ये केस एग्जीक्यूट होता है तो ये नहीं होगा, तो लास्ट में रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं है। डन, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं रिटर्न, नहीं तो नेसेसरी नहीं है, एल्सिफ लेटर लगा दिया है मैंने इसलिए। सो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग। अब आ जाते हैं हम इंसर्शन आफ्टर ए गिवन नोड। जो दूसरा पॉइंट था, अब इसमें आपको क्या कहा गया कि लिंक लिस्ट है उसमें आपको एक गिवन नोड है उसके बाद ही इंसर्ट करना है। सो ऑब्वियसली हमें जो नोड गिवन होगा उसका हमें पॉइंटर दिया होगा। सो व्हाट वी आर अज्यूमिंग दैट कि जो गिवन नोड है जिसके बाद मुझे इंसर्ट करना है वो नोड लिस्ट में है, ठीक है। सो अगर वो नोड लिस्ट में है इसका मतलब क्या हो गया, लिस्ट हमारी एम्प्टी नहीं है। ओके अगर वो जो नोड है जिसके बारे में कहा गया है कि लेट से एक नोड है जिसमें की वैल्यू एक्स है, तो नोड एक्स जिसमें की वैल्यू है, नोड जिसमें की वैल्यू एक्स है या डेटा एक्स है, इसके बाद मुझे नए नोड को इंसर्ट करना है। ओके सो व्हाट वी आर अज्यूमिंग दैट नाउ, जिस ये नोड प्रेजेंट है ये हमारी अजम्पशन है क्योंकि हमसे कहा जा रहा है गिवन नोड के बाद इंसर्ट करना है। ओके सो जब ये नोड प्रेजेंट है तो दैट मीन्स लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी नहीं होगी, सो लिस्ट में एटलीस्ट एक नोड होगा, है ना। सो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लिस्ट में एक ही नोड हो या फिर मोर देन टू नोड्स हो। सो लेट्स सी कैसे इंसर्शन होगा। सो ये प्रोसीजर के बारे में बाद में बात करेंगे, सर्चिंग के बारे में बाद में बात कर लेंगे कि नोड को सर्च करना है तो कैसे करेंगे लिंक्ड लिस्ट में, ठीक
क्योंकि सर्च, अच्छा सर्च तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही सर्च होगा। प्रोसेस जो एल्गोरिथम है ना, दिस एल्गोरिथम इन ट्रेवर्स, इसी को आप सर्च के लिए आराम से मॉडिफाई कर सकते हो। सो इंसर्ट डी, इंसर्ट सॉरी इंसर्ट आफ्टर नाम दे देते हैं इसको। ओके सो हमें दोनों पॉइंटर चाहिए होंगे, स्टार्ट एंड और न्यू। ओके और पीटीआर, न्यू नए नोड का पॉइंटर हो गया, ठीक है, जो आपको इंसर्ट करना है। सो नया नोड जो भी है उसमें डेटा भरा हुआ है, डेटा इज ऑलरेडी देयर, पॉइंटर दोनों नल हैं, और न्यू इज पॉइंटिंग टू दिस वन। और ये जो नोड है जिसके बाद हमें इंसर्ट करना है, इसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है। सो ये दो पॉइंटर्स मुझे चाहिए और स्टार्ट और एंड भी चाहिए। ओके नाउ पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जो ग्राफिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं इंसर्शन के बारे में, देन हम बात करेंगे। सो अब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपकी कि ये जो नोड है ना पीटीआर वाला, ये आपका फर्स्ट नोड हो सकता है और अकेला यही नोड था लिस्ट में आपके। सो ऑब्वियसली जब ऐसा सुनारियो है कि आपका दिस इज नॉट द ओनली वन नोड, ये आप किसी का माइक ऑन है, आप ऑफ करिए प्लीज। सो जब अगर एक्स जो आइटम है यही एक अकेला नोड है, सो दैट मीन्स दिस विल बी द सिनारियो, स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू दैट नोड एंड एंड इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू दैट नोड, है ना। सो इस केस में हमारा इंसर्शन जो है ना कैसे होना है, इस नोड के बाद होना है, एक्स के बाद, ठीक है। सो ओबियसली यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट अभी नल रहे होंगे और पी टी आर इसको पॉइंट कर रहा है। सो हमें अभी ये केस देख लेना है पहले कि ऑब्वियसली ये केस के बारे में कि हमारी नोड लिस्ट में एक ही नोड है और वो एक्स वाला है, तो ये कैसे कंफर्म होगा। ऑब्वियसली स्टार्ट इक्वल टू एंड अगर है और दोनों नॉट नल हैं, स्टार्ट इक्वल टू एंड। ओके नॉट नल चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो जब लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो ये दोनों पॉइंटर कैसे होंगे, नॉट नल होंगे। तो अकेले यही सफिशियंट है, आप ये चेक कर लीजिए इफ स्टार्ट इक्वल टू एंड, और अगर स्टार्ट और एंड इक्वल हैं दैट मीन्स बोथ पॉइंटर्स आर पॉइंटिंग टू ए सेम नोड, और ये वैल्यू एक्चुअली पीटीआर के बराबर भी होगी, है ना। तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ स्टार्ट इक्वल टू एंड इट इंडिकेट्स दैट यू हैव ओनली वन नोड, ठीक है, मीन्स लिंक लिस्ट हैज ओनली वन नोड, ओनली वन नोड। तो जब यही नोड है तो आपका नया नोड इसके बाद इंसर्ट होना है, तो आपको क्या करना है, यहां पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आप कहाँ होगा, सिर्फ इस सेक्शन में चेंज होगा। ओके सो नया नोड जो है यहाँ उसका एड्रेस आ जाना चाहिए, इस पॉइंटर को आपको ओवरराइट करना है। ओके और नए नोड का जो है प्रीवियस को राइट चेंज करना है। सो लेट मी चेंज पॉइंट हियर, तो ये जो नोड है जैसे न्यू पॉइंट कर रहा है और इसका प्रीवियस फील्ड है। सो यहाँ जो प्रीवियस फील्ड है दिस एक लिंक ऐसे क्रिएट करनी है आपको। ओके सो पीटीआर की वैल्यू है आप यहाँ कॉपी कर देंगे। सो आपको क्या लिखना है, न्यू एरो प्रीवियस इक्वल टू पीटीआर कर दीजिए। सो ये नोड का एड्रेस यहाँ गया, दैट मीन्स एक लिंक ऐसे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, इस लाइन से, इस लाइन पे एग्जीक्यूट होने से। अब आपको क्या करना है, ये लिंक जो है ख़त्म हो गई और ये इसको पॉइंट करने लग गई। नाउ सॉरी ये इस लिंक से मतलब नहीं है, इस नोड को पॉइंट ये लिंक कर रही है। नाउ ये जो पॉइंटर है, दिस पॉइंटर अभी तो ये नल था लेकिन अब इसका नेक्स्ट नोड ये है, तो इस जगह पर मुझे न्यू का एड्रेस कॉपी करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे पी टी आर, एंड से भी आप ये काम कर सकते थे, पी टी आर एरो नेक्स्ट इक्वल टू न्यू, ये दो लाइन आपको करनी है, ठीक है। सो न्यू का एड्रेस जो होगा यहाँ कॉपी हो जाएगा, सो ये एक लिंक ऐसे भी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, ये तो नल है ही, इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको एंड पॉइंटर को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब लास्ट नोड ये नोड नहीं है,
दिस इज द लास्ट नोड, सो एंड इक्वल टू न्यू. सो ये तीन लाइन और यू कैन से दैट थ्री पॉइंटर एक्सचेंज जो है ना, इससे आपका ये नोड इंसर्ट हो जाएगा. ओके, दिस इज दैट केस जब एक ही नोड है. लेकिन जब मोर देन वन नोड है, जब आपके लिंक लिस्ट में मोर देन वन नोड है, इफ लिंक लिस्ट हैज मोर देन वन नोड. अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका जो एक्स है वो लास्ट नोड है. सॉरी, उस वो केस हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो मोर देन वन नोड है तो ऑब्वियसली ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं बनेगी, दो या दो से ज्यादा नोड हो सकते हैं. मोर देन वन नोड थे ये वाला. अच्छा, इसका इसका एक और अल्टरनेट है. एक्चुअली ये केस को हम अकेले ऐसे डील ना करते हुए दूसरे तरीके से डील करेंगे. लेट मी, ये भी इनकरेक्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट इनकरेक्ट. मैं इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको मॉडिफाई करूँगा सो दैट हमें एक और अल्टरनेट केस जो पॉसिबल हो, पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आपका जो नोड है वो लास्ट नोड है, तो वो भी हम इसी से हैंडल कर सकते हैं. तो हम ये कंडीशन चेंज करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी डिस्कस दिस केस. You have multiple nodes like that. Okay, start and suppose that this is the last node end. Here null hoga and here this pointer will be there and it's pointing to this one. And suppose that आपको इस node के बाद ये है आपका x. Okay, so x आपका first node भी नहीं है, ये node, और ये लास्ट नोड भी नहीं है. सो हमारा फर्स्ट नोड भी होता तो कोई इशू नहीं था. एक्चुअली ये लास्ट नोड नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट नोड है तो आपको स्टार्ट पॉइंटर चेंज करना पड़ता है. ओके, सो अब यहाँ पे मुझे नया नोड ऐड करना है, तब मैं क्या करूँगा. सो इसे आप ध्यान रखना है, ये पीटीआर से पॉइंट हो रहा है, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू दिस नोड. ये हमारा नया नोड है. ओके, जिससे न्यू पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट कर रहा है. ओके, एंड अज्यूमिंग कर लेते हैं कि हम जो नया नोड इंसर्ट करने वाले हैं तो एक्स लास्ट नोड नहीं है. ये एक्चुअली वो केस है, सिंपली लिंक लिस्ट हैज मोर देन वन नोड, दैट इज नोड विद वैल्यू एक्स और की एक्स इज नॉट द लास्ट नोड. एक्चुअली दो ही केस होंगे, एक तो लास्ट नोड नहीं है या लास्ट नोड है. तो जो प्रीवियस वाला था वो लास्ट नोड के केस में कवर हो जाएगा, लास्ट नोड. ओके, सो अगर हमारा ये नोड लास्ट नोड नहीं है एक्स, है ना, सो ये लास्ट नोड नहीं है तो दैट मीन्स इसके बाद एक कोई नोड होगा. तो हमें नया नोड इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पॉइंटर एक्सचेंज. आपको कौन कौन से पॉइंटर्स मॉडिफाई करने हैं. एक तो ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर को आपको जो अभी यह इसको पॉइंट कर रहा था इसे चेंज करके आपको यहाँ लगाना है, ऐसे लग ट्रांसफर करना है सो दैट एक लिंक ऐसे क्रिएट हो जाए. सिमिलरली इस पॉइंटर को भी आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यह भी इसका प्रीवियस नोड ये है, लेकिन अब इस नोड का प्रीवियस नोड ये हो जाना चाहिए, है ना. और सिमिलरली इस नोड का प्रीवियस नोड न्यू का प्रीवियस ये हो जाना चाहिए और इसका नेक्स्ट ये होना चाहिए. तो आपको ये पॉइंटर्स एक्सचेंज करने हैं. सो लेट्स डू इट. सो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इन वैल्यूज को ओवरराइट ना करें, पहले हम इन पॉइंटर्स को कॉपी कर लेते हैं पहले. ठीक है, सो न्यू के प्रीवियस में क्या आ जाना चाहिए, पीटीआर. सो न्यू एरो प्रीवियस इक्वल टू पीटीआर. ठीक है,
हमें इन पॉइंटर्स को ओवरराइट नहीं करना है, ये पॉइंटर्स हमें चाहिए, इसलिए पहले आपको ध्यान रखना है इनको ओवरराइट किसी भी तरीके से नहीं करना है, नहीं तो आपका होगा ये नोड जो है ना ये नेक्स्ट को पॉइंट करे तो न्यू का एड्रेस यहाँ पहले कॉपी कर दो, तो ये पॉइंटर लॉस्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इसलिए पहले आप इन नल्स को मॉडिफाई कर लीजिए। ओके, सो न्यू के प्रीवियस में मैंने क्या कर दिया, पीटीआर का एड्रेस रख दिया, सो नाउ अब न्यू इसे पॉइंट करने लग गया, सो न्यू का प्रीवियस नोड ये बन गया। ठीक है, सिमिलरली न्यू का नेक्स्ट कौन हो जाना चाहिए, दिस वन। ठीक है, सो इस नोड का एड्रेस यहां है पीटीआर के नेक्स्ट में, सो न्यू एरो नेक्स्ट इक्वल टू आप कर लीजिए पीटीआर एरो नेक्स्ट। सो अब ये पॉइंटर यहां भी कॉपी होके आ गया, सो ये लिंक ऐसे हो गई। अब आप इस लिंक को आराम से खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये डुप्लीकेट है। ठीक है, तो यहां मुझे क्या करना है, न्यू का एड्रेस कॉपी करना है, सो पीटीआर एरो नेक्स्ट इक्वल्स न्यू। ओके ओके, नाउ ये जो एड्रेस है एक मिनट, मुझे ये एड्रेस मॉडिफाई करना है, सो व्हाट हाउ कैन आई डू दैट, ये एड्रेस इस नोड का एड्रेस मेरे पास यहाँ है। ओके, सो एक काम हम पहले कर सकते थे इसको, या ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे आई नीड टू एक्सेस दिस वैल्यू, तो इसे हम कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ से हम जो है यहाँ जा सकते हैं। सो पीटीआर एरो यहाँ पर मुझे क्या करना है, न्यू का एड्रेस कॉपी करना है। ओके, सो पीटीआर एरो नेक्स्ट, पीटीआर एरो नेक्स्ट का मतलब डैश एड्रेस और इसके प्रीवियस में। ठीक है, ये डबल पॉइंटर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, यहाँ सो नया एड्रेस यहाँ न्यू को क्रिएट हो जाएगा, सो एक बैकवर्ड लिंक क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो एक तो ये है कि पॉइंटर्स के बीच में ये लाइन आपको, ये पॉइंटर टू पॉइंटर आपको इस्तेमाल करना पड़ गया, आप चाहते तो ऑलरेडी इस एड्रेस को एक जगह कॉपी करके रख लेते तो ये लाइन आपकी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, ये जो पॉइंटर टू पॉइंटर आपको करना पड़ रहा है ये नहीं करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में। ठीक है, आप इस लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, एक तो तरीका यह है, इससे आप इस एड्रेस को चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आप इस एड्रेस को कॉपी कर लेते पहले किसी जगह पर, या एक काम भी कर सकते थे आप, इस नोड में इस नोड को आप एक्सेस कर सकते थे पीटीआर नेक्स्ट से, तब भी आपको करना पड़ता, तो या तो आप ये एड्रेस कॉपी कर लेते यहाँ से पीटीआर एरो नेक्स्ट कॉपी कर लेते किसी वेरिएबल में। ओके, सो पीटीआर एरो नेक्स्ट को मैंने कहाँ मॉडिफाई किया, यहाँ, तो इस लाइन से पहले आप किसी वेरिएबल में भी कर सकते थे, पीटीआर एरो नेक्स्ट को किसी वेरिएबल में ले लेते, लेट से पीटीआर वन है ना, और अब ये आप ये मॉडिफाई कर लेते तो आपको इस लाइन की जगह पर, ये जो कॉम्प्लेक्स लाइन लिख रहे हो ना आप, इसकी जगह पर सीधे आप क्या कर देते, पीटीआर वन एरो प्रीवियस इक्वल टू न्यू। तो आपके पास ये दो अल्टरनेटिव हैं, चाहे तो आप इन दोनों लाइंस को यूज कर लीजिए ऐसे, तो जब आप ये यूज कर रहे हो तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी कॉपी करके, या फिर ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। सो दोनों में से चॉइस में से जो आपको उचित लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो केस है जो ज़्यादातर केस में ऑकर होगा कि आपका ये नोड लास्ट नोड नहीं था। नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी एक्चुअली क्या होगी, जब आप नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं और जिसके बाद इंसर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्स आपका लास्ट नोड था, तो ये केस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही अपने आप कवर हो जाएगा, एक्स वाज द लास्ट नोड। ठीक है, क्योंकि सिंगल नोड है तब भी लास्ट नोड ही है। सो अगर आपका एक्स लास्ट नोड है, केस जिसे थ्री बोल रहे हो आप, ठीक है, सो केस वन एक्चुअली केस थ्री में ही कवर हो जाएगा, तो केस वन को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं बताना चाह रहा था उस टाइम। ओके, सो इफ द नोड, हाँ ऊपर वाले में जो अभी आपने बताया, तो उसमें सर जो न्यू का नेक्स्ट है उसमें जो पीटीआर का नेक्स्ट साइन किए तो वो फिर हट जाएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में,
कहाँ? थोड़ी ना वो हटेगा, वो तो रहेगा ही वहां पे, तो सर वो तो तीन ही प्रोसेस में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर से हम लोग वो क्यों पॉइंट कर रहे हैं लास्ट में? सर वो अभी जो बताए थे अभी कौन सा? जस्ट ये वही आफ्टर वाला, आफ्टर वाला, हाँ ये वाला सर, इसमें जो है न्यूनो का नेक्स्ट इज इक्वल टू सीटीआर का नेक्स्ट, तो यहीं पे तो हम लोग दे दिए हैं उसको कहाँ वैल्यू पे? नेक्स्ट वाले पॉइंटर का, न्यू का प्रीवियस नहीं, ये न्यू का जो नेक्स्ट इज इक्वल टू, कौन न्यू सा, का ये नेक्स्ट इज न्यू का इक्वल टू नेक्स्ट, सीटीआर का नेक्स्ट, हाँ न्यू वहीं पे तो नेक्स्ट हम लोग दे दिए हैं नहीं, वैल्यू यहाँ पे उसको, न्यू नेक्स्ट का आपने क्या किया है? सीटीआर का नेक्स्ट दे दिया है, तो सर यहाँ पे तो है ही ना वैल्यू अभी रखा हुआ, नहीं तो ये पता क्या इसको हमें? पॉइंट कर रहा है। हाँ ये वैल्यू है ना मेरे पास, इस नोड का एड्रेस मेरे पास कहीं लॉस्ट नहीं हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हाँ तो आपको वही, यहाँ पर ये जो एड्रेस है यहाँ पर भी एड्रेस लिखना पड़ेगा न्यू का, तो उसके ओ लिए ये करना पड़ रहा इस है, वाले पे भी, क्योंकि इस नोड का भी जो हाँ पॉइंटर चेंज होगा ना, नाउ दिस, ये नोड का पहले प्रीवियस नोड ये था, अब ये हो जाएगा ना, तो इस पॉइंटर को भी एक्सचेंज करना है आपको ना, तो इसलिए आपको या तो आप इस एड्रेस की मदद से, क्योंकि आपको ओवरराइट कर, अब दिक्कत ये नहीं है कि आपका इस नोड का एड्रेस लॉस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ है, तो आप यहाँ से एड्रेस उठा लीजिए पी टी आर वन में और फिर इसको चेंज कर दीजिए इस फील्ड को, क्योंकि हमें इस फील्ड को समहाउ चेंज करना है। तो वो एक तरीका मैंने ये बताया था, एक दूसरा तरीका ये था, एक और अल्टरनेट हो सकता है, ठीक है ना, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब जो ये जो है मेन चीज आपको, कि एक्स जो है ना आपका लास्ट नोड है, अगर जो आपको एक्स जो गिवन दिया गया है दैट इज द लास्ट नोड, सो अब जब लास्ट नोड है तो कुछ ऐसे होगा कि यू हैव एक्स हियर और आपसे कहा गया ये एम्प्टी होगा, एक्स लास्ट नोड है तो एंड ओके नाउ लास्ट नोड है तो इसके आगे मल्टीपल्स कितने भी नोड हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंसर्शन में, हमें सिर्फ क्या करना है जो नया नोड है इसके बाद इंसर्ट करना है। ये आपका नया नोड है, इसमें डेटा है आपका डी, ठीक है, ये एम्प्टी है शुरू में, नया नोड है, आपको एक्स के बाद इंसर्ट करना है ना, तो एक काम करते हैं, ये एक्स और ये दोनों सेम लग रहा है मुझे, छोटा सा डॉट बना लीजिए नल, और एंड इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये सिनारियो। अब लास्ट नोड है तो हो सकता है इसके आगे कुछ नोड्स हों इधर प्रीवियस साइड में या नहीं भी हों, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एक्चुअली। ये जो केस वन मैंने डिस्कस किया था वो इसी में कवर हो जाएगा, तो हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाँ सिर्फ आपको ये जानना है कि एक्स जो है लास्ट नोड है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि एक्स का अगर नेक्स्ट पॉइंटर आपको मालूम है पीटीआर जो है ना इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट फील्ड अगर एम्प्टी है नल है ओके, या ये कहिए एंड और पीटीआर सेम है, एंड और पीटीआर सेम है तो आपका मतलब है कि आपका एक्स जो है ना लास्ट नोड है, तो इस केस में आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ ये पॉइंटर चेंज करना है, क्योंकि अब आपका एक्स ये लास्ट नोड नहीं रहेगा, इन दोनों पॉइंटर्स को चेंज कर, इस सॉरी इसको चेंज करना है, इसे चेंज नहीं करना है, और एंड पॉइंटर को चेंज करना है, एंड पॉइंटर पीटीआर इस नोड की जगह पे, एक्स वाले नोड की जगह पे इस नोड को पॉइंट करें, ठीक है। सो लेट्स डू इट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पॉइंटर को जो है ये जो पीटीआर का एड्रेस है यहाँ कॉपी कर देते हैं न्यू में, तो लाइन वन जो है वो होगी आपकी न्यू एरो प्रीवियस इक्वल टू क्या कर देते हैं पीटीआर। सो एक लिस्ट क्रिएट हो गई, अब ये नल नहीं रहा पॉइंटर, ये ऐसे बैक लिंक क्रिएट हो गई। सिमिलरली एक लिंक मुझे ऐसे भी चाहिए सो दैट एक्स का नेक्स्ट पॉइंटर न्यू हो जाए, है ना। मैं इसे ओवरराइट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। नंबर टू, पीटीआर एरो नेक्स्ट इक्वल्स न्यू, ठीक है। सो न्यू का जो एड्रेस था मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, तो ये लिंक बन गई ओके। सो अब ये लास्ट नोड नहीं रहा, अब सिर्फ ये नया लास्ट नोड हो गया है, तो अब मुझे एंड पॉइंटर को और चेंज करना है। नंबर थ्री, एंड इक्वल टू न्यू। सो ये जो तीन केस है ना, तो जो केस वन ये मैंने डिस्कस किया था ये इसी में कवर हो जाएगा, तो इसके लिए अलग से कोई भी स्पेशल प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये चेक कर लीजिए कि
कंडीशन इसके लिए कि एक्स लास्ट नोड है कि नहीं है। तो ये कंडीशन कैसे पता चलेगी कि एक्स लास्ट नोड है या नहीं है? अगर एक्स लास्ट नोड है तो क्या होगा कि पीटीआर इक्वल टू एंड होगा। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, एक कंडीशन तो ये है, या फिर पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो नल होगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन आप टेस्ट कर लीजिए, है ना। सो ये दोनों कंडीशंस बताती हैं कि आपका जो एक्स नोड है वो लास्ट नोड है, तो आपका ये केस कवर हो जाएगा। ओके, तो दो पॉसिबिलिटीज लिखनी है आपको, तो लेट्स राइट द एल्गोरिथम नाउ। डी इंसर्ट गिवन, क्या क्या पॉइंटर्स चाहिए, को स्टार्ट चाहिए क्या, हमने स्टार्ट पॉइंटर को कहीं यूज किया है इसमें, स्टार्ट की आई थिंक हमें जरूरत कंडीशन चेक करने के लिए, स्टार्ट पॉइंटर की वैसे जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। लेट्स सी, स्पेस छोड़ देते हैं या एक काम करते हैं लिख देते हैं, कुछ नहीं जा रहा। स्टार्ट आपका वैसे भी ग्लोबल वेरिएबल है, एंड और आपको क्या चाहिए, पीटीआर गिवन नोड और ये न्यू नोड, ठीक है। अब पहले केस वन आप देख लेते हैं कि जो गिवन नोड है एक्स वो लास्ट नोड है या नहीं है। सो हम इस केस को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो इफ पीटीआर इक्वल्स एंड, अगर पी टी आर एंड है इसका मतलब क्या है, नोड विद की एक्स, नोड विद की एक्स इज द लास्ट नोड, ठीक है। तो उस केस में ये काम करना है आपको। तो स्टेप टू में आपको क्या करना है, न्यू एरो प्रीवियस इक्वल टू पी टी आर, नंबर थ्री पी टी आर एरो नेक्स्ट इक्वल्स न्यू, नंबर फोर मैं यही वाली लाइन्स लिख रहा हूँ। ओके, सो ये तो हो गया जब आपका लास्ट नोड था। नंबर पाँच एल्स में आप जा सकते हैं, एल्स में ये वाला केस होगा। सो इस केस में ये चार लाइन्स लिखनी है आपको, ठीक है। सो एल्स में, एल्स का मतलब हो गया कि जो गिवन नोड है, मैं सीधा इसको बोल रहा हूँ, गिवन नोड इज नॉट द लास्ट नोड। सो जब वो लास्ट नोड नहीं है, अच्छा स्टार्ट की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो हटा सकते हैं स्टार्ट को। ये चार लाइंस आप लिख लीजिए, ठीक है। सो आई एम नॉट टाइपिंग दोज लाइंस हियर, ये दीज आर रिटन हियर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू इंसर्शन इन टू द लिंक लिस्ट, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डिलीशन की, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीशन कैसे होगा, तो हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। एंड सर्च के बारे में बात कर लेंगे, हालांकि सर्च जो ना ट्रेवर्स में ही, ट्रेवर्स के जैसे ही है ऑलमोस्ट, बट स्टिल वी विल टॉक अबाउट द सर्च एल्गोरिथम, ठीक है। और सो अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिलीशन की बात करेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो पा रहा है सबका। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्ट आपको बिगिनिंग में करना है, तो ऑब्वियसली इस जगह पे ये जो प्रोसीजर्स हैं अभी तक हाल फिलहाल ये हमने डिस्कस किए हैं, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगने वाला है, कॉन्स्टेंट टाइम है इंसर्ट आफ्टर, इन सब का टाइम कॉन्स्टेंट टाइम है। लेकिन आपसे कहा जाए कि अगर इंसर्ट आपको फर्स्ट नोड के तौर पर हमेशा इंसर्ट करना है या ऑलवेज लास्ट नोड के तौर पर इंसर्ट करना है, इसमें एक और वेरिएंट हो जाएगा कि आपको जो नया नोड ऐड करना है ऑलवेज एंड में ऐड करना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, तो वो कॉन्स्टेंट टाइम में हो जाएगा। लेकिन आपको कहा जाए कि गिवन नोड के बाद इंसर्ट करना है, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, क्योंकि आपको गिवन नोड को पहले लिस्ट में सर्च करना पड़ेगा। तो चाहे आप फॉरवर्ड सर्च करिए या बैकवर्ड सर्च करिए,
तो पहले आप गिवन नोड को लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ प्रोसीजर में मान लिया था कि हमें जो नोड है एक्स वाला की वाला उसका एड्रेस हमें दिया है पीटीआर में, तो हमने सीधे सीधे क्या कर दिया पर कॉन्स्टेंट टाइम में सारा काम हो जाएगा। लेकिन पीटीआर जो है वो एड्रेस पता करने के, पीटीआर की वैल्यू पता करने के लिए आपको एक सर्च करना पड़ेगी, और सर्च कैसी हो जाएगी, लीनियर। तो जो केस जो दूसरा वाला जो मैंने एल्गोरिथम डिस्कस किया था जिसमें हम एक गिवन नोड के बाद इंसर्शन कर रहे हैं, वो आपका लीनियर टाइम हो गया। ठीक है, सो इंसर्शन भी यहाँ लीनियर टाइम ही है, कॉन्स्टेंट टाइम नहीं होगा। ओके, हालांकि जो लिंक लिस्ट है आपकी, लिंक लिस्ट से हम क्यू के इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। क्यू का इम्प्लीमेंटेशन आप एफिशिएंटली कर सकते हैं लिंक लिस्ट से। दो पॉइंटर ले लीजिए, एक फ्रंट जिसको बोलते हैं ना, आप क्यू में आपके दो पॉइंटर होते हैं, फ्रंट एंड रियर। तो फ्रंट पॉइंटर को आपको स्टार्ट ले लीजिए और हमेशा स्टार्ट साइड से इंसर्शन करिए, सॉरी स्टार्ट साइड से डिलीशन करिए। और एक और पॉइंटर ले लीजिए लिस्ट का एंड पॉइंटर, और जिसे आप रियर बोलते हैं, और वहीं से आप इंसर्शन करिए। तो दोनों काम लिंक लिस्ट से आप आसानी से क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और दोनों ही ऑपरेशन, फ्रंट डिलीशन और इंसर्शन, कॉन्स्टेंट टाइम होंगे क्योंकि क्यू में तो वैसे भी कॉन्स्टेंट टाइम होते हैं। और आपकी लिस्ट जो है ना फ्री इजीली, एक्चुअली लिंक लिस्ट से जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक जो एडवांटेज आपको मिलता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। लिस्ट आपकी ज़रूरत करने पर चाहे जितनी ग्रो कर सकती है और चाहे जितनी श्रिंक कर सकती है। एरे से वही इम्प्लीमेंटेशन आप क्यू का करेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि फिर आइटम्स की शिफ्टिंग करिए। ओके, सो लेट्स क्लोज हियर।